नेपोलियन हिल कहते हैं, बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। किसी एनोनिमस ने कहा है, फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लूजर्स की ऐसी 5 बैड क्वालिटीज़ बताऊंगा, जिसको आप अवॉइड करोगे तो आप एक विनर बन सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की भी एक ऐसी हैबिट बताऊँगा जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बैड क्वालिटी जो एक लूज़र में होती है वो है फियर ऑफ फेलियर। हम अपने फेलियर को किस तरह से देखते हैं, इससे डिसाइड होता है कि हम कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। जो लूज़र होता है वो इस डर से कि कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता कि उसका बिज़नेस कहीं फेल ना हो जाए। दोस्तों, कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के 2-3 साल तक बहुत ही स्ट्रगल होता है। जब तक वो बिज़नेस स्टेबल ना हो जाए, जो भी पुश लगता है वो सिर्फ शुरुआत में ही लगता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई बस ब्रेकडाउन हो जाती है तो 10 लोग लगते हैं उसको हल्का सा भी मूव करने के लिए। फिर जब बस थोड़ा मूव करती है अपनी जगह से, फिर ज़्यादा लोग नहीं लगते उसको पुश करने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डोंट बरी योर फेलियर्स, लेट देम इंस्पायर यू। दोस्तों, जब हम कोई भी फेलियर को पॉजिटिवली लेते हैं तो हमारे दिमाग में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आने लग जाते हैं। अगर हम पहले ही फेलियर से डर जाएंगे तो जो गोल हम अपने लिए सेट किए थे उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, किसी एनोनिमस ने कहा है, फेलियर डिफीट्स लूजर्स बट इट इंस्पायर्स विनर्स। लूजर्स की दूसरी बैड क्वालिटी होती है नॉट एम्बिशियस। दोस्तों, जो लूज़र्स होते हैं वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, उनको बड़ा सोचने से भी डर लगता है। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे कम और हमारे फैमिली के ज़्यादा होते हैं। हमारे मम्मी पापा को हमसे बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। तो जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है या कोई छोटी मोटी फेलियर आती है तो हमें सब भूल के बस वही सोचना चाहिए कि हमने जो स्टार्ट किया है वो क्यों किया है, आप क्या पाना चाहते हो जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है। दोस्तों, किसी एनोनिमस ने कहा है, द ओनली ट्रू फेलियर इज़ व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। लूज़र्स की तीसरी बैड क्वालिटी होती है गिव एक्सक्यूजेस। दोस्तों, लूज़र्स बस बहाने बनाते हैं। लूज़र्स इतना एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते, वो ज़्यादा मेहनत करने से कतराते हैं, इसलिए वो बहाने बनाते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी 1000 सब्सक्राइबर्स लाने में। अगर आप उसी बीच हार मान लेते हो कि आप यूट्यूब आपके बस का नहीं है, तो आप कभी भी एक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाओगे और आपको कोई हक नहीं बड़े ड्रीम्स देखने का। लूज़र्स हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि उस बड़े आदमी ने इसलिए ये अचीव कर लिया क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम सब के रिजल्ट्स देखते हैं कि उसने क्या अचीव किया है, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि उसने कितनी स्ट्रगल के बाद वो अचीव किया है, क्योंकि ड्रीम्स वही देखते हैं जो उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी हैं, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अपनी प्रॉब्लम को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। फोर्थ बैड क्वालिटी जो एक लूज़र में होती है वो है नो सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, जो लूज़र्स होते हैं उनको खुद पे बिलीव नहीं रहता है कि वो उस काम को कर भी पाएंगे या नहीं। आज जो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? जो प्रॉब्लम आज आपको आई है वो पास्ट में किसी को तो आई होगी, तो देखो कि उसने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया और सक्सेसफुल बना। थॉमस एडिसन बोलते हैं, आई हैवन्ट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। अगर एडिसन 10,000 चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके सोच लेते कि लाइट बल्ब बनाना इम्पॉसिबल है, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। उनको खुद पे बिलीव था, इसलिए वो इतने महान इन्वेंटर बने। उनका नज़रिया पॉजिटिव था, इसलिए तो उन्होंने बोला कि 10,000 चीज़ों से लाइट बल्ब का एलिमेंट नहीं बन सकता, और सिर्फ एक ही मेटल है जिससे ये लाइट बल्ब का एलिमेंट बन सकता है। तो दोस्तों, आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करने का नज़रिया चेंज करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही रहेगी, बस आपको उस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदलना होगा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिफ्थ बैड क्वालिटी जो एक लूज़र में होती है वो है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लूज़र्स सही टाइम का वेट करते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वो सबसे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम को करने का राइट टाइम कभी नहीं आता।
हम जब काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं तो सक्सेसफुल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी वो हैबिट बताता हूँ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोली थी। मेरी एक हैबिट है जिससे मैं हमेशा पॉजिटिव फील करता हूँ, शायद ये हैबिट आपको भी हेल्प करे। मेरी हैबिट है कि मैं जो भी काम करता हूँ अगर वो पूरा नहीं होता तो मैं उससे मोटिवेट होता हूँ कि अब तो इस काम को पूरा करना ही है। तो दोस्तों, आप भी ये हैबिट बना लो कि जो भी काम को स्टार्ट करो उसे पूरा करके छोड़ो, और उस काम को तब तक मत छोड़ो जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। अगर कोई काम नहीं हो रहा, आप उस काम को पूरा करने का तरीका चेंज करें, लेकिन उस काम को इनकम्प्लीट मत छोड़ो, क्योंकि आप उस काम को नहीं करेंगे तो कोई और उसका पूरा करके सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको रिग्रेट होगा कि आप उस काम को कंप्लीट करने के कितना क्लोज थे, क्योंकि हम तभी क्विट करते हैं जब वो काम पूरा होने ही लगता है या जब उसके रिजल्ट्स हमें मिलने ही वाला होता है। तो वो रिजल्ट्स कैसे मिलेगा जब हम उस काम को आधे में ही छोड़ देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप में लूज़र की कोई भी ऐसी बैड क्वालिटी है तो आप उसको जल्द से जल्द चेंज कर लेंगे, सो दैट आप भी एक विनर की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।